सोलन के नवनियुक्त अतिरिक्त उपायुक्त अजय यादव ने बताया कि उन्हें जो जिम्मा सौंपा गया है उसे वह बखूबी निभाएंगे। साथ ही केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को सहजता से पहुंचाएंगे। अतिरिक्त उपायुक्त अजय यादव ने बताया कि उनके पास मुख्य रूप से पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास, राजस्व विभाग है। इन्हीं विभागों में सर्वाधिक समस्याएं लोगों को आती है। सभी की समस्याओं का निपटारा करना उनका मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिकताओं की बात करें तो आदरणीय उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में जो भी हमारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना और जो आम जनों लोगों की शिकायत है उसका त्वरित निपटारा करना हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। और मुख्य रूप से जो मैं कार्य देखूँगा वो हमारा पंचायती राज और ग्रामीण विकास का कार्य रहेगा और राजस्व का विकास रहेगा। और देखा जाए तो लोगों की ज़्यादातर समस्या इन्हीं दो विभागों से जुड़ी होती है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो लोगों की समस्याएं उसका त्वरित निपटारण हो और राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।